गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वे व्हील एंड एक्सल. टुडे आई डिस्कस अबाउट द स्क्रू एंड व्हील. स्क्रू क्या है? देखिए आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ देखिए होंगे. जैसे आप लोग कांटी देखे हैं कभी कभी, तो कांटी में क्या होता है, ग्रूव्ड बना हुआ रहता है. ठीक है, गोलाकार तो इस तरह से जो है बना हुआ है. ये ग्रूव्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल पार्ट में, कॉनिकल भी होता है, कॉनिकल पार्ट का भी, मतलब जिसमें ग्रूव्ड बना रहे हैं. तो इट इज ए स्फेरिकल ग्रूव्ड सॉलिड सिलेंडर. Allows the movement from a lower position to higher position, जो कि lower position से higher position की ओर movement करने में help करता है. जैसे आप लोग बोतल देखें तो बोतल का जो ढक्कन होता है उसमें ग्रूव्ड बना रहता है, या बोतल का ऊपरी वाले भाग में भी ग्रूव्ड बना रहता है, जो कि जैसे ही घुमाते हैं बोतल ओपन होता है या उसको क्लोज किया जाता है. ओके, यानी कि इट इज यूज टू जार लीड्स. ड्रिल मशीन आप लोग देखे होंगे, ड्रिल मशीन भी जैसे हम लोग होल मैकर करने में यूज करते हैं उसको, तो जार लीड्स, ड्रिल्स, बोल्ट्स, लाइट बोल्ट्स, बट इसे इसमें यूज हम लोग स्क्रू का करते हैं. नेक्स्ट है वेज. अब वेज क्या होता है ये जानना पड़ेगा. तो वी जो है आप लोग एक प्लेन इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़े, जब टू इंक्लाइन प्लेन आपस में ज्वाइंट होता है. ठीक है, जब टू इंक्लाइन प्लेन आपस में ज्वाइंट होता है तो वेज का फॉर्म होता है. ठीक है, यह एक प्रकार का सिंपल मशीन है. जैसे आप लोग एक्स को देखिए, कुल्हाड़ी देखिए, कुल्हाड़ी में क्या होता है कि टू इंक्लाइन प्लेन आपस में आकर ज्वाइंट हो जाते हैं और ये जो पार्ट होता है वो शार्प. ठीक है, अब इट इज मेड ऑफ द टू इंक्लाइन प्लेन, दे मीट एंड फॉर्म ए आर्क. ये दोनों पार्ट आपस में मिलते हैं और मिल करके इस आर्क एज का फॉर्मेशन करता है. इसका एग्जांपल एक्स, नाइफ, स्टेपलर, व्हाट इज इट. ओके, आगे है यूजेज ऑफ वेज. वेज का यूज हम लोग कहां करते हैं, आप लोग जान गए होंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं. ये जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का एक्स का यूज कहाँ करते हैं आपको पता है कि डेट मीन्स इसका यूज हम लोग काटे थिंग्स, मतलब किसी भी चीज को कट करने में उसका यूज हम लोग करते हैं. डेट मीन्स इट इज यूज टू कट और ब्रेक अप समथिंग. आप लोग फसल देखे होंगे कभी, उसमें भी क्या होता है, बस जस्ट यही पार्ट है, यही पार्ट होता है, मतलब टू बीच इंक्लाइन प्लेन का बना होता है. इट इज यूज्ड टू कीप द समथिंग टुगेदर. आप लोग स्टेपलर देखे हैं ना, स्टेपलर, स्टेपलर क्या बना होता है, जस्ट इसी प्रकार से बना होता है. तो स्टेपलर क्या करता है, किसी भी थिंग्स को होल्ड करने में, थिंग्स टुगेदर करने में हेल्प करता है. इट इज यूज टू सेपरेट ऑन ऑब्जेक्ट अपार्ट. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने में, अलग अलग करने में भी हेल्प करता है. ओके, नो प्रॉब्लम.